वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 5 जो हमारा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगा। ठीक है, अभी तक के हमने जो लेक्चर नंबर 4 तक देखे थे वो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस था। इसमें मैंने दो प्रॉब्लम कवर किए, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो आज हम ये लास्ट आखिरी लेक्चर है हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन का। इसके बाद का लेक्चर हमारा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ डॉक्टर केलकर। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि अभी तक के जो हमने 4 लेक्चर किए थे वो था इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। तो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस दिया था जहाँ पे उन्होंने हमें रेडीमेड नेट प्रॉफिट दिया था, और उस नेट प्रॉफिट के बेस पे हमें डिसाइड करना था कि हमें इसी नेट प्रॉफिट पे टैक्स भरना है या कुछ और अमाउंट आती है। तो अगर आपने पहले 4 लेक्चर दिए देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हमने वही एक्सपेंसेस डिसअलाउड किए थे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो हम आज करने वाले हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, मतलब CA, डॉक्टर, लॉयर, तो यहाँ से जो हम करने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वही एक्सपेंसेस या वही इनकम देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है। देखो इसके लिए पहले 4 लेक्चर्स जो है आपको देखना जरूरी है, टोटली ऑपोजिट है। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसकी मेथड अलग है, और इनकम फ्रॉम आपको प्रोफेशन होगा, रिसीट एंड पेमेंट दिया गया होगा। तो देखो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो कहीं पे भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, क्लोजिंग दिया है, कहीं पे भी आपको नेट प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट हुआ है या नहीं, लॉस हुआ है या नहीं, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। तो टोटली एक क्वेश्चन, ये इसकी मेथड टोटली अलग है। दो हम प्रॉब्लम नंबर 12 एंड 13 करेंगे, ये दो आपको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत इजी है, अगेन हम वही ट्रिक यूज करने वाले हैं, डेबिट प्लस और पेमेंट माइनस। ठीक है, सो डेबिट एंड क्रेडिट, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट साइड प्लस ही करते थे और क्रेडिट माइनस ही करते थे, अंडरस्टूड। तो वो ट्रिक हमारी सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखो मिस्टर जो डॉक्टर है केलकर, उन्होंने टोटल साल भर में कितनी कमाई की और टोटल कितना पेमेंट हुआ, तो इस पे से पहले हमें उनका प्रॉफिट, हमें पहले उनका देखना होगा कि इनको इनकम हुआ है या नहीं। ठीक है, और अगर हुआ है तो फिर कितना टैक्सेबल इनकम है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स मतलब मेडिसिन, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 जो एम्प्लॉइज को देनी है, तो बिजनेस से रिलेटेड है ये। सेल ऑफ ड्रग इज मेड टू पेशेंट, ऑफकोर्स जो हमने सेल किया है मेडिसिन का वो हमने पेशेंट्स को किया, मतलब ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। चार्ज डेप्रिसिएशन, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ऐसा इनकम देखेंगे या ऐसा एक्सपेंडिचर देखेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब ये टोटली ऑपोजिट मेथड है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस तरीके से फॉर्मेट हमें ड्रॉ करना है, फॉर्मेट विल रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पे हमें हेडिंग क्या लिखना है, प्रोफेशनल इनकम, प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर, अंडरस्टूड। तो इनकम मतलब रिसीट वो हमें ऐड करना है, और पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर जो हमें लेस करना है। ठीक है, सेम हम प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे ही करते थे, डेबिट एंड क्रेडिट, डन। चलो नाउ अब हमें धीरे धीरे देखना है कि कौन सा इनकम बिजनेस से रिलेटेड है। तो फी एट क्लिनिक, उसके बारे में कुछ दिया है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये बिजनेस से रिलेटेड है तो हमें लेना है। ठीक है, विजिट फी, डॉक्टर कहीं कहीं पर खुद घर पे जाते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड है, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो लेना है 75,000। सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, अब देखो ये जो सैलरी है ये डॉक्टर कहीं तो पढ़ाने भी जाते हैं, गेस्ट लेक्चर होते हैं ना डॉक्टर्स की, तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं वहां पे डॉक्टर्स ही तो पढ़ाने जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको ये सैलरी मिलती है, लेकिन ये उनका प्रोफेशन नहीं है, ये उनको इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो आ रहा है समझ में हम आपको कि इनकम कौन सा लेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। चाहिए तो यहाँ पे आप पेंसिल से लिख दो कि यहाँ पे हम वही इनकम लेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, उनके प्रोफेशन से है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द
नेक्स्ट पॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर्ड, अब उनकी कोई तो लाइफ पॉलिसी रहेगी जो मैच्योर हुई है, तो ये भी उनका बिजनेस का इनकम नहीं है, तो हम ये यहाँ पे नहीं लेंगे। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, ऑफ कोर्स ये डिविडेंड है उनके बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा और इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी अदर सोर्स से है, फिक्स डिपॉजिट ये भी अदर सोर्स से है। हायर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, अब इसका हमें क्या करना है, हायर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट सो ये भी हमें नहीं लेना है। सेल ऑफ ड्रग्स, ऑफकोर्स ये सेल ऑफ ड्रग जो हमने किया है वो पेशेंट्स को किया है, देखो हमारे पेशेंट को डॉक्टर के कहकर जो है उन्होंने पेशेंट को किया है, तो बिजनेस से रिलेटेड है तो ये हमें लेना है। ठीक है, हायर ऑफ मेडिकल ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, हायर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट मतलब हमारा कोई मेडिकल इक्विपमेंट था जो हमने रेंट पे दिया था उसका इनकम है। ठीक है, तो ये भी हम नहीं लेंगे, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर्स आएगा हमें सोर्स से, जो यहाँ पे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं पेशेंट को चेक करना, घर पे जाके विजिट करके चेक करना, दवाई सेल करना, वही सिर्फ इनकम है। तो हमें इनकम टोटल का डॉक्टर का मिल चुका है 2,10,000। ठीक है, अब ऑफकोर्स इनकम है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी रहेगा, तो नाउ विल मूव टू द एक्सपेंडिचर। तो देखो हमारा अब और एक्सपेंडिचर क्या क्या है, रेंट ऑफ क्लिनिक ये भी किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो ले लो बिजनेस से रिलेटेड। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, खुद को सवाल पूछो कि ये बिजनेस से रिलेटेड है क्या, ऑफ कोर्स है सो ये भी ले लो। मेंबरशिप है, ये भी बिजनेस से ही रिलेटेड है डॉक्टर के, उनको मेंबरशिप फी बार बार अपडेट करनी होती है, रिन्यू भी करनी होती है डॉक्टर एसोसिएशन की, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। परचेस ऑफ ड्रग, ऑफकोर्स यहाँ पे सेल ऑफ ड्रग दिया है तो परचेस ऑफ ड्रग भी बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्टॉक ऑफ ड्रग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग 3,400। तो ये जो खर्चा हुआ है परचेस का, ये पूरे के पूरा उनका खर्चा नहीं हुआ है, उसमें से कुछ दवाइयां उनकी बची है, क्लोजिंग स्टॉक 400 तो एक्चुअल उनका परचेस खर्चा कितना हुआ है दवाइयों पे उस साल 26,600। तो ये याद रखना है, परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस करना है, तो उनको खर्चा थी क्योंकि जेब से 30,000 गए, लेकिन वो पूरे 30,000 उस साल खर्चा हुआ क्या, नहीं, उसमें से 3,400 की दवाइयां बची, तो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ उनका 26,600। ठीक है, ये स्टार मार्क करके रखो, ये ऐसी एडजस्टमेंट आ सकती है। डन, नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये थोड़ी, ये तो उनका घर का लोन है तो बिल्कुल नहीं, ये हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं, पीपीएफ उनका खुद का पर्सनल है एक्सपेंडिचर, एलआईसी पर्सनल एक्सपेंडिचर है, लोन टू फ्रेंड, फ्रेंड को दिया है फ्रेंडशिप में सो नहीं, तो ये नीचे वाले हम नहीं लेंगे, तो उनका डन। नाउ एडजस्टमेंट देखो सब हो गई क्या, स्टॉक ऑफ ड्रग हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी बची ना, ठीक है, पे तो करनी है ना, इसी साल करनी है, आउटस्टैंडिंग है सो 15,000। तो एक्चुअल उनका खर्चा कितना हुआ है, नाउ डेप्रिसिएशन 3,500, ये भी तो मेडिकल इक्विपमेंट पे है, ये भी उन्होंने लिखा नहीं था लेकिन हमें लिखना है। तो देखो बिजनेस में इनकम उन्होंने कितना कमाया था, 2,10,000। ठीक है, और देखो टोटल उनका ये इनकम है लेकिन उसके अगेंस्ट उन्होंने एक्सपेंसेस कितना किया, 1,24,000। तो उनका जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो कितना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 85,900। अंडरस्टूड, तो यहाँ पे सिंपल हमें लॉजिक लगाना है, वही इनकम लेना है जो बिजनेस से रिलेटेड है, वही एक्सपेंडिचर लेना है जो बिजनेस से रिलेटेड है, बस। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विल गेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो मतलब ये टोटली प्रॉफिट एंड लॉस का जो है उससे अलग है, हम उसमें क्या लेते थे, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो हम लिखते थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है वो हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट में। अंडरस्टूड, डोंट वरी, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको खुद को आएगा, और जितना सिखाया है आई थिंक आपके लेवल पे इतना काफी है, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करो।
ठीक है। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मिस्टर सतीश शाह इज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ही कीप्स हिज बुक्स अकाउंट ऑन कैश बेसिस। तो ऑफ कोर्स रिसीट एंड पेमेंट इज सिमिलर टू कैश ऑफ बुक अकाउंट। सो रिसीट एंड पेमेंट दिया है, तो पहली ट्रिक हमें क्या करनी है, प्लस करना है एंड यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, अब ये प्रोफेशन है, ये माइनस है। रिसीट एंड पेमेंट मतलब प्रोफेशन, तो सिंपल है, हमें वो ही इनकम लेना है जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो ही एक्सपेंडिचर लेना है जो बिजनेस से रिलेटेड है, बस बाकी को इग्नोर करना है। वन फोर्थ मोटर कार आर पर्सनल। तो देखो जो एक्सपेंसेस है, मोटर कार एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिक करो। डेप्रिसिएशन अलाउड मोर देन 6 मंथ्स। ओके, ये इंफॉर्मेशन देखो, जो डेप्रिसिएशन किया था वो यूज फॉर मोर देन 6 मंथ्स से ज्यादा है। ठीक है, प्रोवाइड 25% और सर्जरिकल मोर देन 3, मतलब 3/4। ठीक है, चलो नाउ विल सी 1/4 कार एक्सपेंसेस पर्सनल यूज। नाउ ठीक है, अब देखो 1/4 पर्सनल यूज है, तो जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे तभी भी हम ये यूज करेंगे 1/4, मतलब ही 3/4, क्योंकि 1/4 प्लस 3/4 मिला के 1 बनता है। ठीक है, और ये हमने कार जो यूज की है मोर देन 6 मंथ बिजनेस के लिए की है, डन। तो हमको डेप्रिसिएशन भी करना है। चलो नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल इनकम, यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर। तो लेट्स स्टार्ट, पहले इनकम से स्टार्ट करते हैं, डेबिट से स्टार्ट करते हैं। तो लोन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट पर्पस लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, पर्सनल यूज इग्नोर करो। सेल ऑफ मेडिसिन, ये आपका इनकम है क्या, ऑफ कोर्स है, सो ये हम लेंगे। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया है क्या, नो, तो एज इट इज लेंगे। कंसल्टेशन फी, ऑफकोर्स कंसल्टिंग फी होती है ना, ये भी तो बिजनेस से रिलेटेड है, मेहनत करता है बेचारा। विजिटिंग फी भी, तो ये दोनों इनकम हम लेंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नहीं ये बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी है, उन्होंने कुछ सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट किए रहेंगे उसका, इग्नोर करो। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आना ही नहीं चाहिए, ये कहाँ आना चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो हमें सिर्फ ये 3 आइटम लेने हैं। ठीक है, तो उस वो जो मिस्टर सतीश शाह है उसका इनकम कितना हुआ, 1,24,250, डन। चलो अब इससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस है, देखो म्यूनिसिपल टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी भरा है, बिल्कुल ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, ऑफकोर्स मेडिसिन उसका बिजनेस से रिलेटेड है, खर्चा लेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स परचेस किया है, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल नहीं लेना है। मोटर कार देन कार एक्सपेंसेस, अच्छा देखो यहाँ पे ये नहीं लेना है बिकॉज दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के वक्त भी नहीं लिया था, तो इग्नोर करो। कार एक्सपेंसेस 6,000 अलाउड होता, लेकिन उन्होंने बोला है 1/4 तो पर्सनल यूज के लिए यूज किया है, तो 6,000 × हमें सिर्फ क्या देखना है, बिजनेस से रिलेटेड देखना है। अगर 1/4 पर्सनल है तो बिजनेस से रिलेटेड 3/4, तो 4,500 आया समझ में। यही अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस होता, प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने क्या किया होता, हमने 3/4 नहीं लिया होता, हमने 1/4 लिया होता, क्योंकि वहां पे हम कौन सा लेते थे, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और यहाँ पे हम कौन सा एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो 3/4। तो सिंपल है, 1/4 अगर वो पर्सनल यूज के लिए करता है तो 3/4 वो बिजनेस के लिए करता है। अब इसके लिए मैथ अच्छा होना चाहिए, देखो 1/4 अगर वो पर्सनल यूज करता है तो 3/4 वो बिजनेस के लिए यूज करता है, तो ऐसे दोनों मिला के देखो, ये दोनों के 3+4 तो आया 1, इसलिए 3/4 आया। अब ये मत पूछो मिस 3/4 कैसे आया, इसके लिए आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वरना मैथ्स टीचर को पकड़ो और पूछो। चलो हो गया, दिस इज डन, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, ये फिर से चला गया, वन से का लेट मी, ये हमने नहीं लिया, सॉरी ये लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, कार एक्सपेंसेस हो गया। सैलरी, ऑफकोर्स सैलरी रेंट ये तो बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो हमें वही तो लिखना है, बिजनेस से रिलेटेड सब अलाउड है। जनरल एक्सपेंसेस देखो कुछ इंक्लूड वगैरह है क्या, नहीं है, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड है।
एलआईसी प्रीमियम पर्सनल है, हम लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन? बिल्कुल नहीं। इंश्योरेंस? बिल्कुल नहीं। डिपॉजिट? हाँ, तत्काल टेलीफोन, ये हमने डिपॉजिट किया है तो ये हम लेंगे, ठीक है, 22,000। तो हम ये वाली चीजें नहीं लेंगे, बाकी हमने इमरजेंसी में टेलीफोन का डिपॉजिट रखा है वो लेंगे। सो दिस ऑल द एक्सपेंडिचर। चलो, तो यहाँ पे 1/4 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, डेप्रिसिएशन। ओके, कहीं पे भी हमने डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं लिया है, तो सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है तो लेना तो चाहिए, लेकिन कितना लेना चाहिए? कार पे 20% बोला है, तो कार की अमाउंट किधर है? हमारी कार की अमाउंट थी 1 लाख। देखो, हमने परचेस किया था ना उस साल, तो कार है 1 लाख, तो 1 लाख पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 20%, तो कितना आता है? 2,000। लेकिन 2,000 उसमें से हमने 1/4 पर्सनल यूज लिया है, तो 3/4 तो कितना आना चाहिए आपका डेप्रिसिएशन? 15,000। और सेम उन्होंने सर्जिकल भी बोला है 20%, तो 20। ये समझ में आया ना 3/4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/4 तो पर्सनल यूज के लिए किया है, तो बिजनेस के लिए 3/4, यही हम इधर भी लागू करेंगे, मोटर कार, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन में भी हम लागू करेंगे 3/4। जैसे यहाँ पे 3/4 किया कार के बारे में, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन कार के बारे में 3/4 करेंगे, तो ये अलाउड है, सर्जिकल कार का है, ठीक है? तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंसेस इतना हुआ, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 35,750। तो डॉक्टर सतीश शाह जो है उनको कितना टैक्स भरना है, कितने पे टैक्स भरना है? 35,750, ठीक है? तुम इतना ही बताओगी कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसमें हम वही लेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में हम क्या लेंगे? हम वही आइटम लेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, बस ये दोनों में फर्क है। आप प्रैक्टिस करो, बार बार ये क्वेश्चंस करो, बुक में के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, श्योरली हम वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो आपके जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था उसमें आपको आया था इनकम फ्रॉम बिजनेस आया था, ठीक है? समटाइम दे विल आस्क इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे ही ये चैप्टर, ये लेक्चर खत्म होगा, मैं कम्युनिटी टैब में इसका आंसर डालूंगी। तब तक के लिए पहले आप होमवर्क करोगे, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, लास्ट ईयर ही पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक। हमारा ये वाला जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ये जो टॉपिक है कवर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।